यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने राम मंदिर मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। वसीम रिजवी ने कहा कि हिंदुस्तान की जमीन पर बाबरी ढांचा कलंक है। उन्होंने कहा कि उस कलंक को मस्जिद कहना गुनाह अजीम है, क्योंकि मस्जिद के नीचे की खुदाई 137 मजदूरों ने की थी, जिनमें 52 मुसलमान थे। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि खुदाई के दौरान 50 मंदिरों के स्तंभों के नीचे के भाग में ईंटों का बनाया चबूतरा मिला था। इसमें मंदिर से जुड़े कुल 265 पुराने अवशेष मिले थे, जिसके आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग इस निर्णय पर पहुंचा था कि ऊपरी सतह पर बनी बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर दबा हुआ है। सीधे तौर पर माना जाए कि बाबरी इन मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे पर बनाई गई थी।